जिले के पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की कमी लगातार बनी हुई है, जिसकी पूर्ति के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित प्रदेश के पूर्व मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री का बयान अब कोरा साबित होता नजर आ रहा है। एक तरफ पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी से मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, वहीं बीजेपी की माननीय मंत्रियों सहित संगठन पदाधिकारियों के द्वारा बीते दिनों दिया गया बयान भी अब कोरा साबित होने लगा है। बीते दिनों पाली प्रवास पर पहुंचे जिले के पालक मंत्री रामकिशोर नानू, संगठन के नेता व पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक सहित उमरिया जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बीते दिनों आश्वासन देते हुए कहा था कि बीरसिंहपुर पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुशल चिकित्सकों की पदस्थापना की जाएगी, किंतु यहां अब तक कोई सार्थक पहल नजर नहीं आ रही है। हम आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से बने इस भव्य आलिशान अस्पताल भवन में मात्र एक चिकित्सक बीएमओ वीके जैन ही पदस्थ हैं, जिन्हें स्थानीय कार्य के अलावा फील्ड कार्य व जिले में आयोजित मीटिंग भी साझा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में गंभीर अवस्था के मरीजों को तत्काल रेफर कर दिया जाता है। लगातार क्षेत्रवासियों के द्वारा इस 30 बिस्तरीय अस्पताल में कुशल चिकित्सकों की पदस्थापना को लेकर मांग की जाती रही है, लेकिन उन मांगों में महज अब तक आश्वासन ही हाथ लगा, जबकि जिला मुख्यालय में पदस्थ अलग अलग कुशल चिकित्सकों को सप्ताह में 2 से 3 तक यहाँ सेवा देने की पहल की जा सकती है, लेकिन इस बात पर अमल नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल माननीयों के दिए गए आश्वासन कब पूरे होंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इसमें अकेले में परेशानी तो होती है, लेकिन मेरे को काम हर जगह करना पड़ रहा है, 24 घंटे और 12 महीने है ना, तो मैं अपना काम करता हूँ जितना हो सकता है मुस्तैदी से, हॉस्पिटल भी देख लेता हूँ, फील्ड का भी काम कर लेता हूँ। अब हम अपने स्टाफ के साथ मिलकर काम करते हैं, फील्ड में हमारे पास पर्याप्त ANM है, पर्याप्त स्टाफ है, सिर्फ डॉक्टर की कमी है, तो उसके लिए शासन से गुजारे थे कि डॉक्टर की भर्ती करें, कुछ भेजें, जरूरत तो पड़ती है। चाहेंगे कि डॉक्टरों की बहुतायतता हो, हर चिकित्सक जो है अपने आप में दक्ष चिकित्सक हो और उसकी पदस्थापना हमारे पाली तहसील में हो, उमरिया जिले में हो और अधिक से अधिक चिकित्सक हमारे जिले को मिले, हमारे पाली नगर को मिले, उसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका और माननीय मंत्री महोदय से भी मांग करेंगे इस बात की। व्यवस्था को लेकर मैंने निर्देश भी दिया है, हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो हमारी कमेटियां हैं उसको मैं ठीक करने का काम कर रहा हूं। जो हमारे चिकित्सकों की व्यवस्था है, हम एक महीने के अंदर, अभी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से जो चिकित्सकों की भर्ती होने वाली है उसमें भर्ती में निश्चित रूप से हमारे उमरिया जिला को भी हम यहां पर पदस्थापित करेंगे। सर, नए डॉक्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी होगा, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध करेंगे कि पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भव्य बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मात्र एक चिकित्सक के द्वारा पूरे एरिया के आदमी का इलाज हो रहा है, तो वो संभव नहीं है उतना, तो या तो जिला मुख्यालय से यहाँ पर किया जाए या बाहर से जो अन्यत्र आप अन्य जगह कर रहे हो तो उसमें से 2-4 डॉक्टर यहाँ के लिए व्यवस्थित किए जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बीरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।